अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने तमाम आउटपुट डिवाइसेस के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने तमाम आउटपुट डिवाइसेस को डिटेल में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, जिसका नाम है बेसिक यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज। इसके अंदर हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर के अंदर मौजूद फाइल्स, इमेजेस, साउंड और वीडियोस को किस तरीके से कंप्यूटर अपने अंदर महसूस करता है, जिसके अंदर हम बाइनरी नंबर सिस्टम्स और कंप्यूटर के अंदर मौजूद डेटा को नापने के लिए जिन यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बिट, बाइट और वर्ड को डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। जिस तरीके से वीडियो डिस्प्ले अडेप्टर के लेक्चर में हमने ये जाना था कि कंप्यूटर वन और जीरोस पर काम करता है, क्योंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और इलेक्ट्रिसिटी की एक वक्त में कोई एक हालत हो सकती है, यानी उसकी प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी जिसको ऑन से रिप्रेजेंट कराया जाता है, और उसकी एब्सेंस, उसकी गैर मौजूदगी जिसको ऑफ से रिप्रेजेंट कराया जाता है। कंप्यूटर इलेक्ट्रिक वायर्स और सर्किट्स पर मुश्तमिल होता है, और इन इलेक्ट्रिक वायर्स और सर्किट के जरिए कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है। आइए हम जानते हैं कि कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी के जरिए किस तरीके से इंफॉर्मेशन को महफूज करता है और आपको दिखाता है। दोस्तों अगर आपके पास एक सिंगल वायर मौजूद है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो उस वायर के अंदर मौजूद सिग्नल एक वक्त में किसी एक हालत को लेकर जा रहा होगा, वो यस होगी या फिर नो, ट्रू होगी या फिर फॉल्स, वन होगी या फिर जीरो। और दोस्तों किसी वायर में मौजूद ये वन और जीरो बिट कहलाती है, जो कि सबसे छोटा यूनिट होता है कंप्यूटर के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन को नापने का। दोस्तों जितनी ज्यादा वायर्स उतनी ज्यादा बिट्स और उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन आपका कंप्यूटर सिस्टम महफूज कर सकता है। दोस्तों इतनी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को समझने के लिए बनाया गया है बाइनरी नंबर सिस्टम। जिस तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, जो कि 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स यानी 10 डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है, और इन 10 डिजिट्स को मिलाकर ही दुनिया में मौजूद तमाम नंबर्स को बनाया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, जो कि दो नंबर्स यानी 0 और 1 से मिलकर बनता है, और इन दो नंबर्स की मदद से ही कंप्यूटर के अंदर मौजूद तमाम इंफॉर्मेशन को महफूज किया जाता है। दोस्तों बाइनरी नंबर सिस्टम दो नंबर्स पर मुश्तमिल होता है, इसीलिए इसे बेस 2 से रिप्रेजेंट कराया जाता है, और डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से लेकर 9 यानी 10 नंबर्स पर मुश्तमिल होता है, इसीलिए बेस 10 से रिप्रेजेंट कराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर मौजूद है जो कि कुछ वैल्यूज पर मुश्तमिल है, और ये वैल्यूज मौजूद हैं किसी न किसी पोजीशन पर, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है और डेसिमल नंबर को हम बेस 10 से रिप्रेजेंट कराते हैं, तो इसके अंदर मौजूद तमाम पोजीशन अगली पोजीशन के साथ 10 का मल्टीपल होंगी, यानी 10 से मल्टीप्लाई करके बनी होंगी। फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 10, 10 पोजीशन, 100 पोजीशन, और 100 मल्टीप्लाई बाय 10, 1000 पोजीशन, और इसी तरीके से तमाम पोजीशन को डेसिमल नंबर सिस्टम्स के अंदर बनाया जाता है। दोस्तों आइए हम जानते हैं कि नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम्स के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट कराया जाता है। जब हम एक वैल्यू को उसके ऊपर मौजूद जब हम एक पोजीशन को उसके ऊपर मौजूद वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1000, 9 मल्टीप्लाई बाय 100, 6 मल्टीप्लाई बाय 10, 60, और 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5, तो इस तरीके से हमारे पास नंबर बनेगा 1965। बिल्कुल इसी तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम्स, जो कि कुछ ना कुछ वैल्यूज पर मुश्तमिल होती हैं, जो कि 1 और 0 पर मुश्तमिल होती हैं, और ये तमाम वैल्यूज भी किसी ना किसी पोजीशन पर मौजूद होती हैं, क्योंकि हम इसको बेस 2 से रिप्रेजेंट कराते हैं, तो इसके अंदर मौजूद तमाम पोजीशन अगली पोजीशन के साथ 2 का मल्टीपल होती हैं। 1 पोजीशन, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 पोजीशन एंड 4th पोजीशन, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 पोजीशन, और इस तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम्स के अंदर तमाम पोजीशंस को जनरेट किया जाता है। दोस्तों अगर हम कंप्यूटर के अंदर कोई नंबर देते हैं, तो आइए देखते हैं कि कंप्यूटर उस नंबर को किस तरीके से 1 और 0s की फॉर्म में तब्दील करता है। अगर हम कंप्यूटर को 9 नंबर देना चाहते हैं, तो 9 नंबर बनता है 8 और 1 को प्लस करके, तो हम 8 और 1 पर मौजूद बिट्स को 1 कर देंगे और बाकी तमाम बिट्स को 0 रहने देंगे।
जब हमने इन दोनों बिट्स को 1 कर दिया तो हम देखते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है. 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1. तो दोस्तों जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 9. इस तरीके से 9 को कंप्यूटर 1 और जीरोस की फॉर्म में तब्दील करता है. फॉर एग्जांपल आप 5 को कंप्यूटर के अंदर देते हैं तो आइए देखते हैं कि 5 किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर स्टोर होगा. हम जानते हैं कि 4 और 1 को जब प्लस करते हैं तो ये 5 बनता है. जब हम 4 और 1 की बिट को 1 कर देंगे और बाकी तमाम बिट्स को 0 कर देंगे तो हमारे पास 5 आएगा 1 0 1 0 1. तो 5 को हम इस तरीके से कंप्यूटर के अंदर 1 और 0s की फॉर्म में तब्दील कर देंगे. बिल्कुल इसी तरीके से 0 से लेकर 9 तक के तमाम नंबर्स 1 और 0s की फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं. दोस्तों यहां तक हमने जाना कि कंप्यूटर के अंदर नंबर्स किस तरीके से 1 और जीरोस की फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं. कंप्यूटर को सिर्फ नंबर्स की जरूरत नहीं होती बल्कि दूसरी इंफॉर्मेशन को भी अपने अंदर महफूज करने की जरूरत होती है. तो आइए देखते हैं कि उन इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर किस तरीके से 1 और जीरोस की फॉर्म में स्टोर करता है. सबसे पहले कंप्यूटर अपने अंदर टेक्स्ट को स्टोर करता है. जिस तरीके से कंप्यूटर तमाम नंबर्स को अपने अंदर एक यूनिक बाइनरी कोड के जरिए महफूज करता है, यानी 9 के लिए एक अलग 1 और 0 पर मुश्तमिल कोड होगा और 5 के लिए एक अलग 1 और 0 पर मुश्तमिल कोड होगा. बिल्कुल इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर मौजूद तमाम लेटर्स भी एक यूनिक बाइनरी कोड के जरिए कंप्यूटर के अंदर महफूज किए जाते हैं. और ना सिर्फ लेटर्स बल्कि वर्ड्स और पैराग्राफ्स को भी इन्हीं बाइनरी कोड्स को सीरीज में इस्तेमाल करते हुए लेटर्स वर्ड्स और पैराग्राफ्स को बनाया जाता है. दोस्तों अगर आपके पास एक कंप्यूटर 1 है जिसके अंदर डी जिसको 00100 से स्टोर कराया गया है, ओ जिसको 01111 से स्टोर कराया गया है और जी जिसको 00111 के बाइनरी कोड के जरिए महफूज कराया गया है, अगर आप इस कंप्यूटर के अंदर मौजूद इस वर्ड को किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर भेजना चाहते हैं लेकिन उस कंप्यूटर के अंदर 00100 के पीछे जो करेक्टर मौजूद है वो सी है, इसी तरीके से 0111 को जिससे स्टोर कराया गया है वो ए है और टी जिसको 00111 से स्टोर कराया गया है, तो जब आप ये कंप्यूटर 1 के अंदर मौजूद इस वर्ड को कंप्यूटर 2 को भेजेंगे तो ये डॉग के बजाय कैट जाके स्टोर होगा. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई गई बाइनरी कोडिंग स्कीम्स के जरिए तमाम कंप्यूटर्स किसी एक स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करते हुए आपस में नंबर्स को एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए तमाम कंप्यूटर्स एक ही नंबर्स के चार्ट को फॉलो करेंगे. इनमें सबसे पहले है ASCII. ASCII क्योंकि कंप्यूटर अमेरिकन ने इंट्रोड्यूस कराया था तो इसका एब्रीविएशन है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जिन कोड्स को इस्तेमाल किया गया था वो ASCII के अंदर मौजूद होते हैं. दोस्तों इसके जरिए आप अपनी ह्यूमन टेक्स्ट यानी अपनी लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज यानी 1 और 0s की फॉर्म में बआसानी तब्दील कर सकते हैं. आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले आया था 7 बिट ASCII. 7 बिट यानी 2 की पावर 7 128 बिट्स पर ये मुश्तमिल था. 128 बिट्स का मतलब है कि इसके अंदर 0 से लेकर 127 तक के नंबर्स, 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स, अपर केस लेटर्स यानी ए से लेकर जेड तक के अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, पंक्चुएशन मार्क्स और सिंबल्स को इस 7 बिट ASCII के जरिए स्टोर कराया जाता था. इसके बाद आया एक्सटेंडेड ASCII जो कि 8 बिट पर मुश्तमिल था. वो इन नंबर्स के अलावा और दूसरे मैथमेटिकल नोटेशंस को भी अपने अंदर स्टोर करा सकता था. दोस्तों इसके बाद आया EBCDIC जो कि एब्रीविएशन है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, यानी ये भी 8 बिट पर मुश्तमिल था और ये बनाया था IBM ने और IBM ने ये अपने सिस्टम्स के अंदर अप्लाई करने के लिए बनाया था. यानी IBM के PCs के अंदर अगर आप टेक्स्ट को इनपुट कराना चाहते हैं तो उसके अंदर टेक्स्ट इस चार्ट के जरिए यानी उसके अंदर मौजूद
करेक्टर्स, अल्फाबेट्स, नंबर्स, पंचुएशन मार्क्स, सिंबल्स और दूसरे मैथमेटिकल नोटेशंस इस चार्ट के जरिए स्टोर कराए जाएंगे। दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर आम तौर पर सिर्फ टेक्स्ट को इनपुट कराने की जरूरत नहीं होती, बल्कि दूसरी इंफॉर्मेशन को भी कंप्यूटर के अंदर महफूज कराने की जरूरत होती है, जैसे कि साउंड। आइए जानते हैं कि हमारी आवाज को कंप्यूटर किस तरीके से वन और जीरोस की फॉर्म में तब्दील करके अपने अंदर महफूज करता है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है कि हमारी आवाज एनालॉग सिग्नल्स यानी वेव्स पर मुश्तमिल होती है, और जब उन वेव्स को ग्राफ्स के ऊपर डाला जाता है तो उस वेव के ऊपर मौजूद किसी भी पॉइंट को किसी ना किसी नंबर से रिप्रेजेंट कराया जा सकता है। इस तरीके से हम अपने साउंड को सीरीज ऑफ नंबर्स के अंदर तोड़ सकते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर मौजूद तमाम नंबर्स को यूनिक बाइनरी कोड के जरिए महफूज किया जाता है, इस तरीके से इन सीरीज ऑफ नंबर्स को इनके बिहाफ पर मौजूद बाइनरी कोड्स के अंदर तब्दील करके आवाज को बाइनरी नंबर सिस्टम्स के अंदर तब्दील किया जाता है, यानी आवाज को वन और जीरोस की फॉर्म में तब्दील किया जाता है। आवाज वाहिद जरिया नहीं है कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट करने का, बल्कि कंप्यूटर को और दूसरी इंफॉर्मेशन को भी अपने अंदर स्टोर करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि इमेजेस यानी तस्वीरें। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि स्क्रीन पर मौजूद तमाम तस्वीरें पिक्सल से मिलकर बनती हैं, और पिक्सल मुश्तमिल होता है तीन कलर्स पर, रेड, ग्रीन और ब्लू। तब इन तीन कलर्स के कॉम्बिनेशन को आपस में जोड़ा जाता है तो एक वक्त में स्क्रीन पर 1,77,70,216 कलर्स दिखाए जा सकते हैं। इन तमाम कलर्स की इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर अपने अंदर यूनिक बाइनरी कोड की शक्ल में स्टोर करता है, यानी हर कलर के लिए एक अलग 0 और 1 पर मुश्तमिल कोड कंप्यूटर के अंदर महफूज किया जाता है। इस तरीके से स्क्रीन पर मौजूद आपकी तस्वीर को 0 और 1 के अंदर तब्दील किया जाता है। दोस्तों, यहाँ तक हमने जाना कि किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर डाटा को वन और जीरोस की शक्ल में तब्दील करके महफूज किया जाता है। आइए हम जानते हैं कि मेमोरी के अंदर डाटा को किस तरीके से महफूज किया जाता है। दोस्तों, बिट वो छोटा यूनिट है जिसके जरिए सीपीयू के अंदर मौजूद डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, लेकिन आम तौर पर कंप्यूटर के अंदर मौजूद मेमोरी की स्टोरेज को नापने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है वो बाइट कहलाता है। बाइट जो कि 8 बिट्स से मिलकर बनता है, यानी जब 1 और 0 पर मुश्तमिल 8 बिट्स को आपस में मिलाया जाता है तो वो 1 बाइट कहलाता है, और मेमोरी को बाइट के जरिए रिप्रेजेंट कराया जाता है, यानी एक मेमोरी के अंदर कितनी आपकी मेमोरी के अंदर कितने डाटा को महफूज करने की सलाहियत है इसको बाइट के जरिए नापा जाता है। इस तरीके से 1000 ग्राम्स मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जब 1000 बाइट्स को मिलाया जाता है तो वो 1 किलोबाइट बनता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि आपके कंप्यूटर के अंदर 1 KB की मेमोरी मौजूद है। बिल्कुल इसी तरीके से जब 1000 KB को मिलाया जाता है तो वो 1 MB बनता है, और जब 1000 MB को मिलाया जाता है तो वो 1 GB बनता है। और दोस्तों, इसी तरीके से जैसे जैसे मेमोरी के अंदर मेमोरी को अपने अंदर डेटा को स्टोर करने की सलाहियत बढ़ती रहती है, उसके यूनिट्स भी तब्दील होते रहते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने ये जाना कि मेमोरी के अंदर मौजूद डेटा को बाइनरी फॉर्म यानी बिट्स की सूरत में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए हम देखते हैं कि CPU बिट्स पर मुश्तमिल डेटा को किस तरीके से काम करता है, यानी CPU के अंदर जब बिट्स मौजूद होती हैं वो किस तरीके से उसको एक जगह से दूसरी जगह भेज। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल का सहारा लेना होगा। अगर आपके पास एक बस मौजूद है जो कि 1 बाइट के डाटा पर यानी 8 बिट्स पर मुश्तमिल है, और वो एक जगह से दूसरी जगह 5 सेकंड्स के अंदर पहुंचती है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम एक और बस को उसके साथ भेजते हैं तो वो एक वक्त में यानी 5 सेकंड्स के अंदर 16 बिट्स के डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगी। और अगर इसी तरीके से हम 4 बसेस को एक साथ भेजते हैं तो और तमाम बसेस एक एक बाइट के डाटा को लेकर जा रही हैं तो वो एक वक्त में 32 बिट के डाटा को 5 सेकंड्स के अंदर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगी। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को अपने जहन के अंदर महफूज कीजिएगा, क्योंकि आगे हम इसका इस्तेमाल करेंगे।
हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर वायर्स पर मुश्तमिल होता है जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ये वायर बसेस कहलाती हैं। आपकी बस के अंदर कितनी वायर्स मौजूद हैं, इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपका सीपीयू एक वक्त में कितनी नंबर ऑफ बिट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने की सलाहियत रखता है, कितनी नंबर ऑफ बिट्स या फिर बाइट्स आपका माइक्रोप्रोसेसर एक वक्त में एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा, ये वर्ड कहलाता है। आमतौर पर बाइट जो कि फिक्स नंबर ऑफ बिट्स यानी 8 बिट्स पर मुश्तमिल होता है, लेकिन वर्ड कितनी नंबर ऑफ बिट्स पर मुश्तमिल होगा इसका अंदाजा आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद माइक्रोप्रोसेसर से लगाया जाता है। अगर आपका माइक्रोप्रोसेसर 32 बिट का है तो वो उसके अंदर मौजूद वर्ड का साइज भी 32 बिट होगा, यानी वो एक वक्त में 32 बिट के डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकता है। और अगर आपके माइक्रोप्रोसेसर का साइज 64 बिट है तो वो एक वक्त में उसके अंदर मौजूद वर्ड का साइज 64 बिट होगा। दोस्तों, किसी भी कंप्यूटर के अंदर मौजूद वर्ड का साइज बहुत अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि जितना बड़ा वर्ड का साइज होगा उतनी ज्यादा बिट्स उसके अंदर मौजूद होंगी और उतना ही पावरफुल आपका कंप्यूटर होगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा डेटा आपका कंप्यूटर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है। दोस्तों, जितना ज्यादा डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है उतनी ही ज्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपका कंप्यूटर एक वक्त में परफॉर्म करेगा। दोस्तों, यहाँ तक हमने जाना कि कंप्यूटर के अंदर डेटा को किस तरीके से महफूज किया जाता है, यानी बाइनरी फॉर्म में महफूज किया जाता है। अगले लेक्चर के अंदर हम स्टोरेज डिवाइसेस यानी मेन मेमोरी, रोम और रैम को पढ़ेंगे।